अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं लेके आई हूँ नई रेसिपी सब्ज़ मिर्चों के पकोड़े की, और इसकी फिलिंग मैंने की है थोड़े डिफरेंट तरीके से। और ये देखने के लिए, जानने के लिए कि मैंने इस, आपको रहना पड़ेगा थोड़ा मेरे साथ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी फिलिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। ये रही सारी चीज़ें, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने हरी मिर्चों के पकौड़ों में कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, और 5 मैंने हरी मिर्च ली हैं यानी कि ग्रीन चिली। और इसके अलावा मैंने इसमें जो ख़ास चीज़ ऐड की है सर्दियों के लिहाज से, वो मैंने फ़िश ली है। कोई सी भी आप फ़िश ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है, और ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने 1 1 टेबल स्पून, और 3 मैंने ड्राई रेड चिली ली हैं। इन 3 4 चीज़ों को मैंने लंगड़ी में पीस लेना है अच्छी तरह से। इसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, और रेड चिली ली है 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा हमें चाहिए लेमन जूस। यहाँ लेमन जूस की जगह आप अनारदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। हमें इसके अलावा और क्या चीज़ चाहिए? 1/2 कप बेसन लिया है, नमक हसबे ज़रूरत 1 टेबल स्पून, रेड चिली और 2 पिंच बेकिंग सोडा। हरी मिर्च को जो बेसन लगाना है, तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। बेसन हमने लिया है 1/2 कप बेसन है, और उसके अलावा रेड चिली 1 टेबल स्पून और नमक हसबे ज़रूरत, और इसमें 1 ही पिंच में 1 से 2 पिंच बेकिंग सोडा के इस्तेमाल करूँगी। ये तो थी हमें जो चाहिए चीज़ें सारी। अब चलते हैं हम मसाला, जो हमने ड्राई मसाला लिया था उसको पीसने की तरफ। हम ज़ीरा और सूखे धनिया को पहले हम अच्छी तरह से पीस लें। हमें ये इतना बारीक पिसा हुआ नहीं चाहिए, हल्का सा ही हमने इसको पीसना है। अब हम करते हैं, पीसते हैं रेड चिली को, जो हमने ड्राई रेड चिली ली थी उनको। ड्राई चीज़ों को हमने पीस लिया है अच्छी तरह से। हमें इस तरह का पिसा हुआ ये चीज़ें चाहिए थी। इनको अब हम रखते हैं साइड पे। अब हम सब्ज़ मिर्च लेंगे, और इसको हम मिडल में से टक लगा के, जो इसके अंदर जो सीड्स हैं इसके, वो हम निकाल देंगे और इनको साफ़ करके रख देंगे फिलिंग के लिए। ये खाने में बिल्कुल स्पाइसी इतनी नहीं होती, बहुत अच्छे इनके पकोड़े बनते हैं। तो हमने अब सारी जो ग्रीन चिली थी उनको हमने साफ़ कर लिया है। हमारी ग्रीन चिली भी तैयार है। अब हम बेसन को रेडी करके रख देते हैं। बेसन में हम नमक मिर्च जो हमने ली है वो डाल देंगे, और बेकिंग सोडा जो सा है 2 पिंच वो डाल देंगे, और पानी के साथ इसको हम मिक्स करके हम अपना ग्रीन चिली को, जो लगाने वाला हमारा जो बेसन था, वो हम रेडी करके रख देंगे। और इसके बाद हम चीज़ों को फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अब हमने एक पैन लिया है, चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, और पैन जैसे ही तेल गर्म होगा तो इसमें हम जो ड्राई हमने मसाले हमने पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और हल्की आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना, हल्की आंच पे, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना, अच्छे से फ्राई हो जाए, उनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ही 1.5 से 2 मिनट होंगे हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं, इसमें अब हम फिश डाल देंगे। फिश को भी हम लो आंच पे ही हम रख के इसको पकाएंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे इन चीज़ों में। मसालों में हमें फ़िश को भूनते हुए, फ़िश को डोई की मदद से जो उनसे हमने बारीक, और इसको बारीक कर लेना है क्योंकि हमने उसकी ग्रीन चिली की फिलिंग करनी है। तो उसके लिए हमें ज़रा थोड़ी सी मैश चाहिए। फिश तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस जो हमने रखे थे, रेड चिली, हल्दी, कसूरी मेथी और नमक, इसको हम डाल के तकरीबन 1 1 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और इसमें हम अजवाइन जो हमने रखी थी 1/2 टीस्पून, वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ा
थोड़ी देर इसको पकाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल आलू लिए थे, हमने उनको मैश कर लिया है और वो इसमें हम डाल देंगे। हमने बॉयल आलू इसमें डाल दिए हैं, मैंने बॉयल आलू 3 लिए थे, सारे नहीं डाले, मैंने 2 डाले हैं क्योंकि जो हरी 5 हरी मिर्च हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाला हो जाना था, तो मैंने 2 आलू जो बॉईल किए हुए थे वो इसमें डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट मज़ीद मैंने इनको पकाना है। और इसमें अब मैं हरा धनिया की ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें मैं लेमन जूस वो ऐड करूँगी और मज़ीद 1 मिनट के लिए इनको मैं पकाऊँगी ताकि जो जूस का पानी है लेमन जूस का वो ड्राई हो जाए। जैसे ही लेमन जूस का पानी इसमें ड्राई होगा तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, इसको ठंडा होने के लिए आप रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा तो हम फिलिंग की तरफ फिर आते हैं। अब इसके हम ठंडा होने का वेट करते हैं, तो हम मिलते हैं दोबारा जब तक मसाला हमारा ठंडा होता है। मसाला हो गया है ठंडा और अब हम ग्रीन चिल्ली की फिलिंग करते हैं। हमने सारी जो ग्रीन चिल्ली हमने ली थी उन सब की हमने फिलिंग कर दी है और हमारी ग्रीन चिल्ली तैयार है पकोड़े बनाने के लिए। और सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें हमने फ़िश का इस्तेमाल किया है। सर्दियों में पकोड़े खाने का एक अलग ही मज़ा होता है और मिर्चों वाले पकोड़े हों और साथ उसकी फ़िश की फिलिंग हो तो उसका मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। तो यहाँ अब हमने बेसन में ग्रीन चिली को डिप किया और अब इसको हम ऑयल में डालेंगे। सारी ऑयल हमने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था, अब इसके जो हमारे ग्रीन चिली के पकोड़े हैं वो इस सारे हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। और आँच हमने इसकी लो से मीडियम अब रख देनी है क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है, अब हमने लो से मीडियम आंच रखनी है ताकि हमारे जो ग्रीन चिली है वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे हमारी इसको फ्राई होने में। साथ साथ हमें इसकी साइड चेंज करनी है ताकि सारी साइडों से हमारे जो ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली के पकोड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हमारे ग्रीन चिली के पकौड़े फिलिंग जो हमने फ़िश के साथ की है वो हमारे तैयार हैं और इसको अब हम सर्व करेंगे पुदीने की चटनी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।